सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। टुडे वी विल स्टडी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर दोस्तों, दिस इज आवर टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? सो इफ दिस इज द डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेशन ट्वाइस ऑफ ए एंड देयर इज अ पॉइंट ओ एंड देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यू। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ दिस इज अ डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेशन इज ट्वाइस ऑफ ए, दिस इज द सेंटर ऑफ ट्वाइस ऑफ ए सेपरेशन, दिस इज ओ एंड देयर इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पी। क्लियर? देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। क्लियर? सो मीन्स इन फैक्ट योर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइपोल योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यू एंड फॉर पॉइंट पार्टिकल एंड फॉर पॉइंट पार्टिकल एंड फॉर पॉइंट पार्टिकल योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर where this is your point particle q and this is the point p and the separation is r, so electric field at point p ep will be directly proportional to r square. So this is the, so electric field due to point particle is 1 upon r square dependence and electric field due to dipole is 1 upon r cube dependence. Clear? So if you are plotting the graph, so for dipole e is directly proportional to 1 upon r cube and for point charge E is directly to 1 upon r square. So if you are plotting the graph or you are comparing the two electric field, one due to dipole and one due to point charge, so if you are comparing, so you have to plot these two electric field on the same graph, na? So this is r and this is electric field. So what? This is the graph. Clear? This is the graph. अब होगा क्या, कहीं ना कहीं graph दोनों ऐसे होंगे, यानी कि देखो 1 upon r cube का graph यही होता है और 1 अपॉन आर स्क्वायर का भी ग्राफ क्या होगा, यही होगा। क्लियर? बट क्या होगा, अब होगा क्या कि देयर आर टू केसेस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन आर इज लेस देन 1, देयर आर टू केसेस। क्लियर? इफ आर इज ग्रेटर देन 1, मान लो तुम्हारा आर ग्रेटर, अब क्या होगा, ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, यू टू डिसाइड, ये आर 1 बाय आर क्यूब का ग्राफ होगा या ये होगा, कैसे डिसाइड करोगे? उसके लिए क्या एक फंडा ये है, पहले लिखो इसको फिर बताता हूं मैं हाउ कैन यू कंपेयर द टू ग्राफ। डन गुड। सो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज ई आर एंड दिस इज ई एंड दिस इज योर ग्राफ। क्लियर? दिस इज योर ग्राफ। So, पहले इसको स्टडी करेंगे, पहले एक सिंपल केस लो, बिकॉज यार देखो अगर रिजल्ट एक्सप्रेशन क्या है, यहां कांस्टेंट क्या होगा, अगर इसको करोगे तो e is equal to some constant k1 1 upon r cube and here e is equal to some constant k2 1 upon r cube. The two constant are different, here constant is k1, here constant is k2, इसके लिए कांस्टेंट क्या होगा, 1 upon 4 pi epsilon 2 pi upon टूपी ना है, इसके लिए का 1 upon 4 pi epsilon not q. क्लियर? सो हियर द टू कांस्टेंट आर डिफरेंट, कंसीडर सिंपल केस वेयर कांस्टेंट आर डिफरेंट, इफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज e1 इज इक्वल टू 2 upon r cube एंड e2 इज इक्वल टू 2 upon r cube r square. सो व्हाट, पर हियर द टू कांस्टेंट आर सेम, नाउ वेयर दैट हियर द टू कांस्टेंट आर सेम मींस व्हेन r इज इक्वल टू 1 योर e1 इज इक्वल टू e2, व्हेन r इज इक्वल टू 1 योर e1 इज इक्वल टू e2 मींस दिस इज द point r is equal to where 1 upon 2 upon r cube and 2 upon r square are coinciding. So this is the r is equal to 1, and this point pe electric field kya hoga, dono ka same hoga. Clear? e1 is equal to e2. Now if your r is greater than 1,
means your if r is greater than 1, so what? If r is greater than 1, r square will be greater than 1 and r cube will be very very greater than 1 na? If r is greater than 1, your r square will be greater than 1 and r cube will be get, means this guy is larger than this one, for this your r square will be less than r cube na? Under if you are assuming this condition r greater than 1, then your r square will be less than r cube, means your 1 upon r square will be smaller than 1 upon r cube na? Got my point? This is so easy, clear? So plot this is a point where r is greater than 1. So kya ho gaya, yahan se point draw karo. So tumhe malum hai when r is greater than 1, your 1 upon r square is larger. 1 upon r square is larger means yahan this is the larger value and this is the smaller value for a given value of r. Isme matlab kya, ye smaller ye larger, isme matlab ye kiska graph hoga, 1 upon r square ka, aur ye graph hoga 1 upon r cube ka. Got my point? Clear? You may take a second case also. That is too easy. तुम अपने हिसाब से कर सकते हो. Second case. Now if you are considering r is less than 1. R is second case. Now you are considering r is less than 1. R is less than 1 means your r square will be greater than r cube. R square will be greater than r cube. Got my point? देखो r equal to मान लो 0.1 ले लो. तो क्या होगा, r स्क्वायर कितना होगा 0.01 और r क्यूब कितना होगा 0.001. सो मींस योर r स्क्वायर इज ग्रेटर देन r क्यूब ना? देख रहे हो यहां चेंज हो गया सिनेरियो पूरा. Got my point? Yes, sir. So it means your r स्क्वायर इज लेस देन 1 upon r क्यूब. अब क्या इसी तरह अगर इफ यू आर कंसीडरिंग अ पॉइंट ओवर हियर, दिस इज पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट योर दिस इज द पॉइंट वेयर r इज लेस देन 1. इसके केस में क्या होगा, यहां पर पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है, ज्यादा कौन है बेटा, 1 upon r cube is the larger. 1 upon r cube is the larger. This is the graph of 1 upon r cube and this is the graph of 1 upon r square. तो देखो ये जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, यहां गया कि नहीं, 1 upon r cube and 1 upon r square. Got my point? So this is the trick to compare the two graph. Clear? This is the trick to compare the two graph and this is the graph for this where the two constant are same. E1 and E2 have same constant. Clear? But our case is what? Our case is like this is E for dipole, your E is directly proportional to 1 upon r cube and for point charge, E is directly proportional to 1 upon r square. Here constant is different because your formula is what? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p upon r cube and here E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. So what? Constant is here. Here constant is 1 upon 4 pi epsilon 2p and here constant is 1 upon 4 pi epsilon q. So there are two difference na. There are two constant. Constant means your here at r is equal to 1, the two figure are coinciding, but here the two figure will coincide at different point. But the nature of graph will be same. In niche wala kiska hai babu? 1 upon r cube ka. Aur ye wala 1 upon r square ka. Matlab this is for point charge. And this is for dipole. Got my point? Clear? Is that okay? Good. Karo, jaldi karo. Done. Chalo, jaldi karo. Done. Done. Good. So what? Means the two electric fields are coinciding, that value is not equal to 1. Iske case mein kya hoga? 1 ki equal nahi hoga. Clear? Because the two constants are not same. Here the two constants are same. That's why this is the example. This is a simple case. But this is our scenario. This is our case. So if someone is asking the paper, you have to draw this. Clear? Not this. This is for understanding. Clear? So this is the... Now we'll study some other... physical property and they are polar and non-polar compound. Chemistry पढ़ा है polar and non-polar. Chemistry पढ़े हो तो thumb को आप करो polar and non-polar. In chemistry, London dispersion force है कि नहीं, 1 upon r square, 1 upon r, 1 upon r to the power 6, 1 upon r to the power 12. पढ़े हो ये सब? हाँ, electronegativity, electropositivity. पढ़े हो सब? पढ़े हो? सारी चीज याद है?
ये बताइए इन इलेक्ट्रिक इन इन केमिस्ट्री डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डिफरेंट। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर से किधर होता है? इन फिजिक्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। केमिस्ट्री में किधर से किधर होता है? कौन बताएगा? हाँ माइनस से प्लस तो फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। पढ़ाया कभी? कहाँ से कहाँ होता है केमिस्ट्री में? इन केमिस्ट्री डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, बट इन फिजिक्स द कन्वेंशन इज फ्रॉम माइनस टू प्लस। पढ़ो बेटे पढ़ो, उम्र है अभी पढ़ो। So now we'll study polar and non-polar compound, polar and non-polar compound or molecule. Molecules, clear? So polar molecules means having net dipole moment. Polar molecules are molecules having net dipole moment. Clear? And also clear? So polar molecules are molecules having net dipole moment. And also if the center of positive charge and center of negative charge, देखो बाबू क्लास ना मैं आधा घंटा ज्यादा नहीं लूंगा, इधर लाइट वेट का बड़ा सीन है। क्लियर? अब मैं से क्लास लिया नहीं जाएगा इतनी गर्मी में। क्लियर? सो इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ वो भी ले रहा हूँ खाली, वो जो मैं लोग पैसा नहीं है जो भी बोलो इसके चक्कर में, नहीं तो फिर भी ना लेता अगर कोई क्लास होता तो। सो इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड देन दे फॉर्म then they form polar molecule. Polar molecule. And also clear polar molecule. And for non-polar molecule clear, the molecule have no net, the molecule have no net dipole moment. No net dipole moment. And also center of positive charge coincide with center of negative charge. हालात देख रहे हो मेरी? लिखो जल्दी लिखो। Done. Good. So this is the polar and non-polar compound molecules. So what happens now? Look, this is your consider simple molecule H2. H. This is the H atom. This is the H atom. So what? The H atom have one electron and one proton and one proton or neutron. What is it? वो भी सकता है, नहीं बोल सकता है। इधर ओके। So what? अब देखो, this is H atom. So this is the nucleus of H atom and this is the ऑर्बिट ऑफ H atom. सो दिस इज ऑर्बिट एंड दिस इज न्यूक्लियस। सो व्हाट? प्रोटॉन कहां होगा? वो प्रोटॉन यहां सेंटर पे होगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इस ऑर्बिट में होगा। यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर वेव्स, दे आर क्लाउड। इलेक्ट्रॉन कहां होगा? हर जगह में कहीं हो सकता है। तो क्लाउड की बात करूं तो चारों तरफ क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की इधर क्लाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैला हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? चार्ज का सेंटर ऑफ मास, जहां पर उसका होल मास सेंटर्ड होता है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो सेंटर कहां होगा इसका? सर्किल के सेंटर पे ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इनका सेंटर क्या होगा? दीज आर द नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सो यहां क्या है? नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया। और यही क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है। सो दे आर कोइंसाइडिंग, दे आर कोइंसाइड। सो मींस दिस इज द नॉनपोलर, दिस इज द नॉनपोलर। और अगेन कंसीडर अदर एग्जांपल, CH4
CH4, so this is the structure of CH4 na, CH, so what? इसका क्या होगा, इसका मान लो मतलब क्या है कि अब देखो मान लो कि थोड़ा बहुत इस दर्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मान लो इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये कम है, तो चार्ज थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो मान लो कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखो क्या होगा, यहाँ क्या होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होता है, कार्बन या हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मींस देयर विल बी पार्शियल चार्ज ओवर हाइड्रोजन, there is partial charge over hydrogen, there is partial charge over hydrogen na, and there is plus charge, partial plus charge on, so what hoga kya, ab dekho ab ye there are four charges, kya negative charge hai, kya negative charge hai, kya negative charge hai, kya negative charge, so there is minus charge, minus charge, minus charge, minus charge, inka center kahan hoga, yahi hoga na, ya dekhiye yahan again there is positive charge over here, there is positive charge over here, positive charge over here, positive charge over here, again center will be here na, means center of positive charge and center of negative charge are coinciding na, coinciding na in CH4, in CH4 center of positive charge and center of negative charge are coinciding na, means this is the non polar, this is the non polar, yeah, other way means if you have to compare the molecule is polar or non polar, you have to check the coincidence of center of positive charge or center of negative, agar center of positive charge or center of negative charge coincide karte hain then that will be the non polar, agar coincide nahi karte hain then that will be polar, yeah, other trick is to find the net dipole moment, if net dipole moment of the molecule is zero then molecule is नॉन पोलर एंड इफ नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो देन मॉलिक्यूल इज पोलर, करके देखो ये जल्दी लिखो मैं ये फोटो ग्रुप में डाल दूंगा। गुड, अगेन यू में सो मीन्स फिर मीन्स पोलर के केस में क्या है, फॉर पोलर पोलर मॉलिक्यूल पी नेट शुड बी नॉन जीरो, पी नेट शुड बी नॉन जीरो और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट कंसाइड विथ सेंटर ऑफ negative charge, and for polar polar molecule p net is equal to zero or center of positive charge coincide with center of negative charge, this is the definition. So if this is your CH4, this is your CH4 structure only what, CH, so there is a partial charge over here, minus, and there is a plus charge over here, due to this, and due to this, so there is a dipole moment na, ab kya hoga, net dipole moment kitna hoga, ek idhar dipole hai babu, idhar, iska dipole moment hoga P idhar, iska dipole hoga P idhar, iska dipole kya hoga, P idhar, aur iska dipole, so what, there are four dipoles, idhar, either or either, so net effect is zero because there cancel their effect and there cancel their effect, means net p net is equal to zero over here na, so you can decide by taking the coincidence of positive negative charge, center of positive charge, center of negative charge, dono coincide karenge then the molecule is non polar, or p net is zero then the molecule is non polar, got my point, clear, good, jaldi karo. P net is zero ना, P net is zero है, means this is non polar, P net is zero, clear, and these are the P, ये P का direction है बाबू, इधर P है एक, एक इधर P है और एक इधर P है, clear, done, good. So, another example, HCl.
HCl. So what? HCl means इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ज्यादा होगा इसका कम, यानी HCl कैसे हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा बेटा और Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस. अब नेट डाइपोल मोमेंट किधर है बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन ना, मींस P net is non zero, so this is polar molecule, so HCl is polar molecule, polar molecule. You can also check with the help of this condition, center of positive charge is not coincide with center of negative charge, करके देख लेना आ जाएगा, क्लियर, करके देख लेना आ जाएगा, क्लियर, डन. सो CH4 इज द पोलर मॉलिक्यूल, CH4 इज द पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर, CH4 इज द पोलर मॉलिक्यूल. करूं इरेज कर लिया सबने, प्रसिद्ध आता एग्जाम्पल H2O and CO2, what? So this is the COO, clear? And H2O का फॉर्मूला क्या होता है, HOHA, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना बाबू, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O का, स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा ही होता है ना, और इसका क्या होता है, CO2 का ऐसा होता है, दिस इज द लीनियर कंपाउंड, दिस इज द लीनियर, बट दिस इज नॉट लीनियर, नॉट इन लीनियर. अब इसी केस में क्या होगा, ऑल्दो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द सी एंड ओ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहां ये क्या होता है बाबू, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्लियर. सो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बट दिस इज द नॉन पोलर कंपाउंड, दिस इज द नॉन पोलर कंपाउंड, बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और यू मे ऑल्सो थिंक दैट द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस टू विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस टू विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो द नेट इफेक्ट इज जीरो, ना नेट इफेक्ट इज जीरो, सो मींस इन CO2 योर प्लस चार्ज, सेंटर ऑफ प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइडिंग विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और पी नेट इज जीरो ओवर हियर, बट इन H2 व्हाट देयर इज अ प्लस चार्ज ओवर हियर एंड देयर इज अ प्लस चार्ज ओवर देयर, माइनस एंड देयर इज माइनस, तो नेट इफेक्ट विल बट एक इधर डाइपोल होगा बाबू, एक इधर डाइपोल होगा और एक इधर डाइपोल होगा, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन ना, इसका दो कंपोनेंट पकड़ लो तो क्या होगा, cos sin विल बी कैंसिल ना, जल्दी करो यार कनेक्ट, इसको कनेक्ट कर बाबू, रिकनेक्ट किया ना दोबारा, अरे सारे हैं नहीं रिकनेक्ट हुआ, इजी करना, चलो सो पी नेट, अब क्या होगा बाबू, इधर इसके वजह से पी, इधर देखो करो यार जल्दी से, इधर क्या, एक पी इधर है, एक पी इधर है, यानी एक पी इधर है इसको वजह से, एक पी इधर है इसको वजह से, नेट पी किधर होगा बाबू, इधर ना, मींस दैट पी नेट इज इक्वल टू नॉन जीरो, और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव, इन दोनों में देखो तुम नेट डाइपोल मोमेंट करके भी कर सकते हो या कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से देख सकते हो, गॉट माई पॉइंट क्लियर सबको, थंब अप करो अगर क्लियर है तो, क्लियर गुड, बाकी के बच्चे ये सारा क्लियर है कंसेप्ट, जल्दी लिखो हाँ, तो पोलर है तो मैंने कहा नॉन पोलर लिख दिया, लिखे नहीं, अरे गलती से बोल दिया, दिस इज नॉट पोलर ना, पी नेट नॉन जीरो है ना यार, गलती से हो गया होगा, दिस इज द पोलर बिकॉज पी नेट इज नॉन जीरो, क्लियर, मीन्स योर, देखो सबसे बड़ी बात है कि योर द मोलिक्यूल देखो इधर पहले, द मोलिक्यूल में भी पोलर और नॉन पोलर डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
ऑफ द मोलिक्यूल पहला एंड 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 ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल दैट विल डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर दैट विल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम हेयर हेयर सी एंड ओ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेयर सी एंड ओ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट दे आर नॉन पोलर बिकॉज दे आर लीनियर एंड देयर स्ट्रक्चर इज लीनियर बट हेयर एच एंड ओ आर एच एंड ओ हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर एंड ऑल्सो देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट सो दैट्स व्हाई हियर पी नेट इज नॉन जीरो एंड दिस इज द पोलर कंपाउंड